नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम है सृजन। सृजन का हमारा जो अध्याय है 12वां, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूरन सिंह द्वारा लिखा गया है। सरदार पूरन सिंह का जन्म जो है सन 1881 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है सन 1931 में हुई थी। सरदार पूरन सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। मूर्धन्य मतलब अत्यंत जाने माने कह सकते हैं, अपने बुद्धिमान विद्वान। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूरन सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। अब हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ यानी गहन विशद अपने कह सकते हैं जानकर रखने वाले विद्वान सरदार पूरन सिंह के जो निबंध हैं वे हृदय के सच्चे उद्गार हैं, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भरमार भी मिलती हैं। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अब इनका जो पेशा था, जो कार्य जो था, वो शिक्षण का था, शिक्षक थे ये, और इसी कारण से अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो इस प्रकार हैं। और 6 निबंध कौन कौन से हैं? पहला है सच्ची वीरता, दूसरा है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूरन सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। अब हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में गौरवपूर्ण जो स्थान बनाने में इन 6 जो निबंध हैं इनके तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने। सरदार पूरन सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। अब सरदार पूरन सिंह ने जो निबंध लिखे हैं उसमें उदाहरण, दृष्टांत, उद्बोधन जो हैं उनकी जो शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। अब इसमें जो विचारों की मौलिकता है यानी कि विचारों में मौलिकता यानी कि जो मूल भाव है विचारों का वो इसमें प्रगाढ़ता से दिया गया है। भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं, यानी कि इनके समान दूसरा नहीं है। चित्रात्मकता और प्रवाह पूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। इन्होंने जो शब्द चयन किए हैं तो उनमें लक्षणा शब्द शक्ति जो है वो विद्यमान है, लाक्षणिकता के गुण विद्यमान हैं। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में, अब जो हम निबंध पढ़ेंगे इनका जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है मजदूरी और प्रेम, तो इसमें लेखक ने हमें क्या बताना चाहा है, किस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहा है, तो ये मूल जो भाव है वो बताने का इसमें प्रयास किया गया है कि प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। कि जो मेहनतकश लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनका जो परिश्रम है और उनका जो सच्चा मूल्य है उसकी क्या अपने जो है मूल्य आँक सकते हैं, तो उसकी विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। अब इसमें लेखक कहते हैं कि किसान का खेती करना, वो किसान खेती करता है तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसका मूल्य नहीं चुका सकते। उसके द्वारा जो उपार्जित किया गया केवल उसी को हम कुछ अंश दे रहे हैं। और गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। अब कोई मजदूर मजदूरी करता है यानी कि कार्य कर रहा है तो हम उसका मूल्य जो है पैसे से नहीं आंक सकते। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। अब ये जो श्रमशील हैं, लोगों की साधना जो है, महानता, त्याग का जो मूल्य, उनके प्रति प्रेम व सम्मान का जो भाव है ना, उसको व्यक्त करके ही कर सकते हैं हम। उसके द्वारा ही चुकाया जा सकता है मूल्य, अन्य किसी पैसे के द्वारा नहीं कर सकते हम। पैसे वगैरह देने से नहीं होता। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। अब लेखक कहते हैं कि हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति, यानी कि चाहे किसान है, चाहे गडरिया है, चाहे मजदूर है, तो इनके प्रति हमारे मन के अंदर एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए, स्नेह का भाव अपने हृदय में होना चाहिए। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए लेखक ने कितनी गूढ़ जो बात है वो बताने का प्रयास किया कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। अब सज्जनता से हर किसी के साथ में
सज्जनतापूर्ण व्यवहार करना और ईमानदारी से अपना जो कार्य है वो उसे पूर्ण करना, इस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो सच्चे अर्थों में यही ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। तो चलते हैं हम हमारा जो मूल पाठ है मजदूरी और प्रेम, तो इसके अंदर भी अलग अलग भाग दिए हैं लेखक ने कि किस प्रकार से एक किसान के बारे में, गडरी के बारे में बताया है, है ना, मजदूरी के बारे में बताया, तो ये अलग अलग प्रकार से इसमें बताने का प्रयास किया है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं हल चलाने वाले का जीवन, यानी कि जो किसान है ना उसके जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसान का जीवन किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से वह अपना सर्वस्व जो है वो अपनी फसल के अंदर लगा देता है। अब हल चलाने वाले का जो जीवन है वो कैसा होता है, हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। साधु का मतलब सज्जन से है कि हल चलाने वाला है चाहे भेड़ चलाने वाला है, स्वभाव से साधु है। साधु का मतलब वैसे अच्छा होता है, उत्तम होता है और सरल स्वभाव का है माना जाएगा, इसमें अपने अर्थ लेंगे। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। अब हल चलाने वाला अपने शरीर का हवन करता है, हवन मतलब कि जो कर्म की वेदी है उसमें अपने आप को समर्पित कर देता है, परिश्रम की वेदी में हवन के लिए जो कुंड बनाया जाता है उसको वेदी कहा जाता है, तो उस वेदी में अपने आप को समर्पित कर देता है। और खेत उसकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। अब देखिए लेखक की जो कल्पनाशीलता है, लाक्षणिकता, यानी कि जो उदाहरण इसमें दिया है कि जिस प्रकार से वो किसान खेत में काम कर रहे हैं तो शरीर को हवन में डाल रहा है, आहूत कर रहा है, और खेत को उसकी हवनशाला कह दिया है, अब कुंड बता दिया है, और उसके कुंड में से निकलने वाली जो लपटें हैं वे उसके चावल के जो लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकल रही हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। तो देखिए गेहूं के लाल जो दाने हैं वो अग्नि की चिंगारियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, जैसे अपने हवन में या अग्नि में कुछ चीज़ डालते हैं तो एकदम चिंगारियां बाहर निकलती हैं, तो उसी प्रकार से जो गेहूं हैं उसके जो दाने हैं वे भी अग्नि की चिंगारियों की डाली के समान लग रहे हैं। वो मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आ जाता है। अब देखिए लेखक का विचारशील पूर्ण जो है व्यवहार जो कह सकते हैं अपने कि विचारशीलता कितनी अधिक आगाध है। मैं जब कभी अनार के फूल, अब देखिए अनार का फूल आपने देखा होगा लाल रंग का होता है, और फल भी देखा होगा, फल जो है उसके अंदर से जो निकलने वाले दाने हैं वो लाल होते हैं, और उसको जब अगर काटा जाता है अनार को तो उसमें से लाल जो है रस निकलता है लाल रंग का। तो ऐसा लगता है कि लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाग के मालिक का रुधिर निकल रहा हो, उसके रुधिर की याद आती है मुझे, उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में हमारे सामने नज़र आ रही हैं। अब देखिए इसमें लेखक कहता है कि उसके जो मेहनत के कण हैं वो जमीन में गिरे हैं और वो उग गए हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नज़र आ रही हैं। अब इसमें जो अनार है वो लाल है और उसमें से निकलने वाले जो दाने हैं वो भी लाल रहते हैं, तो इससे लेखक को ऐसे लगता है कि जैसे उसने अपने रुधिर से इसको सींचा हो। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहूति देता हुआ सा दिखाई देता है। अब इसमें लेखक कहते हैं कि किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहूति देता हुआ सा दिखाई देता है। कहते हैं ब्रह्म आहूति से जगत पैदा हुआ है। ब्रह्म आहूति यानी कि ब्रह्मा ने जो आहूति दी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं उनको सृष्टि का रचनाकार माना गया है, विष्णु जी को पालनकर्ता माना गया और शिव को संहारकर्ता माना गया है। तो कहते हैं कि ब्रह्म आहूति, ब्रह्मा जी ने जो आहूति दी थी तो उससे संसार बना है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है, ब्रह्मा मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाले के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। अब जो खेती वगैरह ना वो ईश्वरीय प्रेम का केंद्र माना गया है इसमें, क्योंकि ईश्वर भी पालन पोषण करने के लिए कार्य कर रहा है, तो उसी प्रकार से जो किसान है वो खेती कर रहा है वो किसके लिए कर रहे हैं, तो ईश्वर द्वारा जो संसार को बनाया गया है तो उसके पालन पोषण के लिए ही वो कार्य कर रहा है किसान भी। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। देखिए वृक्षों के साथ में इसकी तुलना की गई, उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार से वृक्ष जो है स्वयं धूप में खड़ा रहता है, बरसात को सहन करता है, लेकिन उसके नीचे जो अगर कोई आता है तो उसको वह आश्रय देता है, तो उसी प्रकार से ही किसान का जीवन भी एक मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदना आदि इसे नहीं आते,
ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। अब देखिए एक किसान का जीवन कैसा रहता है, वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, वायु जल पृथ्वी तेज और आकाश यानी कि पंच तत्व जो वो अपने कह सकते हैं वो इसे निरोगी बनाते हैं। विद्या यह नहीं पढ़ा यानी कि स्कूल वगैरह में विद्यालय में नहीं गया, जप और तप यह नहीं जानता, संध्या वंदन आदि इसको नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसको पता नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसको सरोकार नहीं, अर्थात वहाँ भी ये बहुत कम जाते हैं, केवल साग पात खाकर ही वह अपना जो है जीवन निर्वाह कर रहे हैं, भूख निवारण कर रहे हैं, ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अब ये जो चश्मे शब्द इसमें दिया गया है तो वो चश्मे जो शब्द हैं वो झरनों के लिए कहा गया है और नदियां जो बह रही हैं उसके शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। अब देखिए किसान के बच्चे आपने देखा होगा खेतों में साथ में जाते हैं और मिट्टी में वो लोटपोट होते रहते हैं और वहीं पर खेलते खेलते ये बड़े होते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गाँव से प्रेम है। अब किसान के पास में बैल है और वो बैलों से भी अत्यंत प्रेम करता है। किसान जिस प्रकार से अपने बच्चों से वो प्रेम करता है, अपने परिवारजनों से प्रेम करता है, उसी प्रकार से ये बैलों से और अपने गांव के लोगों से प्रेम करता है। उनकी है सेवा करता है, पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं, नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, सायं और प्रातः दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वृष्टि का मतलब इसमें बारिश से है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनके मृदु वचन मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है, धोखा यह किसी को नहीं देता। अब देखिए किसान का जो जीवन है वो सबसे सरल है, किसी प्रकार का छल कपट उसके मन में नहीं है, हर प्रकार से यह सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और किसी को यह धोखा नहीं देता। यदि कोई इसको कोई धोखा भी दे दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। अब देखिए किसान को अगर कोई धोखा भी दे देना तो वो फिर भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, है ना, उसको पता तक नहीं लगता, क्योंकि उसकी जो पारिवारिक स्थिति कह सकते हैं वो अपने परिवार में मस्त है, अपने कर्म क्षेत्र जो अपना खेत है वह उसमें ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। पशुओं को चराना नहलाना खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, अब पशुओं के बच्चों को भी वो अपने बच्चों की तरह मानता है, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है। स्वाध्याय मतलब अपने आप पढ़ना, अपने वो जीवन को पढ़ रहे हैं। दया वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। अब देखिए दया का भाव, वीरता का भाव, प्रेम का जो भाव है, यानी कि सभी जो भाव हैं वो किसान में देखने को मिलते हैं, अन्यत्र ऐसा मिलने को देखने को नहीं मिलता हमें। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। अब इसमें कहा है भोले भाव मिले रघुराई, कि जिस जो भावों से हर प्रकार से भोला है यानी कि जो छल कपट से दूर है उसे ही रघुराई अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। अब देखिए किसान का जो जीवन है कैसा है, उसके पास में पक्के मकान तक नहीं है, जबकि वह संसार का पालन पोषण करने वाला कह सकते हैं, अपने पोषण करने वाला है, अन्नदाता जिसको कहा जाता है, तो उसके घर की जो छत है वो भी पक्की नहीं है, घास फूस की बनी हुई है और उसमें से सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें वो छन छन कर पड़ती रहती हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इनके बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। अब बेमुकुट बिना मुकुट के गोपालों, गोपाल मतलब गायों को पालने वाले, अब किसान जो है गायों का पालन पोषण भी करते हैं, तो इसी प्रकार से तो वे बेमुकुट के गोपाल हैं और इनके दर्शन करने से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और इनके सामने मैं स्वतः ही नतमस्तक हो जाता हूँ। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं का मित्र, बैलों का हमजोलिंग, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। अब देखिए किस प्रकार से सभी से श्रेष्ठ जो है
किसान को बताया है। देखिए गौवों का मित्र, गौवों मतलब गायें जो हैं उनका मित्र है ये किसान, बैलों का हमजोली है, उनके साथ में ये काम करता है, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। पक्षियों का हमराज, पक्षियों की बोली जो है तो उनको समझने वाला ये महाराजाओं का नजाता, चाहे कितने बड़ा महाराज क्यों नहीं हो, राजा क्यों नहीं हो, बादशाह क्यों नहीं हो, तो उनका भी ये अन्नदाता है, उनको ये अन्न जो है प्रदान करता है खेतों में किसान जो काम करके। और बादशाहों को ताज पहनाने वाला और सिंहासन पर बिठाने वाला भी यही है। भूखों नंगों का को पालने वाला भी यही है। समाज का जो पुष्प उद्यान, समाज रूपी जो पुष्प का उद्यान है उसका माली भी, और खेतों का वाली, वाली कहा गया है कि सृजनहार या से स्वामी, वो यही है। कौन है वो? किसान है, फकीर के रूप में रहता है। अब देखिए इसके पास में क्या होता है, ये या तो नंगे सिर है और नंगे पांव ही खेतों में रहते हैं, या फिर एक टोपी सिर पर होगी, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर हो सकती है, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए। तो इस प्रकार से एक साधु जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहा है, तो उसी प्रकार से एक सच्चे अर्थों में फ़कीर जो कर्मशील होते हुए भी, सच्चे अर्थों में जो फ़कीर है वो एक किसान ही है। तो आज हमने ये अध्ययन किया है इसमें हल चलाने वाले का जो जीवन है वो कैसा होता है। तो ये था मजदूरी और प्रेम। आगे के भाग में हम पढ़ेंगे गडरिया का जीवन, कि गडरिया जो है किस प्रकार से अपने जीवन में जो क्रियाशील रहता है और किस प्रकार से उसका जो जीवन है प्रसन्नता से सुख से भरा रहता है, उसका अध्ययन हम भाग दो में करेंगे। धन्यवाद।